पैसे सेंड करना है तो उसके लिए ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास बिल्कुल OLX वाला सिनेरियो है, तो आप इस मार्केट प्लेस के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की तरफ जा सकते हो। ओके हो गया जी। और ये कैटेगरी भी बनी है, देखो आप कोई भी कैटेगरी की चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। व्हीकल करनी है, क्लिक करें, आपके सामने गाड़ियाँ छड़ियाँ आ जाएंगी। फिलहाल कोई लिस्टिंग नज़र नहीं आ रही वहाँ पे। प्रॉपर्टी रेंटल्स है, दे आर नो करंट प्रोडक्ट इन योर एरिया। ओके, लाहौर के अंदर फिलहाल नहीं है, तो आप फिल्टर आउट करके चेंज भी कर सकते हैं। फ्री स्टाफ, फ्री तो बड़ा कुछ आ जाएगा मेरा ख्याल है। आजकल लाइव शॉपिंग ज़्यादा चल रही है। हाँ जी, लोग लाइव आ जाते हैं बिल्कुल ऐसे। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरीज में खास चीज़ें नहीं पड़ेंगी। ओह सॉरी, और चेक करो हमारी लोकेशन कौन सी है। ये तो US का क्लाइंट है ना, तो within 60 किलोमीटर वहाँ का बताई जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं लाहौर करूँगा या मैं अपना एरिया करूँगा तो फिर मुझे नज़र आ जाएगा। तो ये जो है ना वो बाहर का एरिया आ रहा है, USA का एरिया आ रहा है, इस वजह से आपको यहाँ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप ऑलवेज सेलेक्ट कर सकते हो कि किस एरिया में आपको चाहिए, within 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितने एरिया के अंदर आपको चीज़ चाहिए, तो आपको वो जो एड्स उस एरिया की होंगी बस वही नज़र आएंगी। तो बहरहाल ये आपका मार्केट प्लेस है जिसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। ओके हो गया। इसके अलावा सोच लो कुछ और, याद नहीं गया। मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस का बताया है आयशा, फेसबुक मार्केट प्लेस ये टॉप पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोकल चीज़ें जो हैं वो लोग जो लिस्ट करते हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको बाय कर सकते हो, और आप अपना भी यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग में जाके। तो ब्राउज ऑल में सब कुछ आ रहा है, लाइव शॉपिंग के अंदर पे आएंगे ये देखें। लेकिन ये मेरे पास जो है बाहर के एरियाज के ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरी जो लोकेशन है, मेरा जो कि आप यहाँ पे लोकेशन तो लाहौर के नज़र आ जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पे मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप चीज़ें परचेजिंग की तरफ भी जा सकते हो और अपनी चीज़ को भी लिस्ट कर सकते हो। ओके ओके, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है ये, इट्स जस्ट लाइक OLX। ज्यादातर कंज्यूमर टू कंज्यूमर चल रहा है काम, बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, लेकिन ज्यादातर मैंने मोबाइल बेचना है, आपने खरीदना है, तो आप उसमें बात करेंगे और उसके बाद कुछ पॉइंट रख के वहां पे मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, आप पैसे दे दोगे, इस तरह से ठीक हो गया। ओके हो गया, क्लियर। तो इसके अलावा कोई चीज और क्या रह गया है बता दो फटाफट। फेसबुक पे भी और चीज़ अगर माइंड में आ रही है, क्योंकि ये ना की हो मिल तक, ताकि मैं वो भी कवर करूं और फिर हम लोग आगे गूगल पे जाएं। देखो फेसबुक पे शॉप भी बन रही है, फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक है, तो फेसबुक के थ्रू अर्निंग तो ऑटोमेटिक है। आप उस पर ऑडियंस बिल्ड करो, आप यहाँ पे जो आर्टिकल ब्लॉग लिख रहे हो उसको पब्लिश करो, और आपको लोग जो है वो आपकी जो ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे आपने एड वगैरह कुछ भी लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अर्निंग हो रही होगी, ठीक है। सो इसके थ्रू ये भी अर्निंग है। प्लस एक और चीज, एड ब्रेक। एड ब्रेक क्या चीज है? आप लोग वीडियोस देखते हो ना फेसबुक पे, वीडियोस के अंदर एड नजर आ रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड्स के बाद स्किप होता है, वो एड आप स्किप भी नहीं कर सकते। अगर दो एड आ जाए तो पहला चलेगा, दूसरा स्किप कर सकते हो आप। एड्स आते हैं ऑटोमेटिकली और वो फिर नीचे बार चल रही होती है, जब वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो वापस आ जाती है, आ रहे होते हैं ना। तो उस तरह के एड्स जो है ना, एक तो ये ना कि आप चला सकते हो उन वीडियोस में एड, वो वीडियो एड है, और एक ये होता है कि अगर आपका पेज है, आप अपना वीडियो कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हो और उर्दू पॉइंट कर रहा है, डेली पाकिस्तान कर रहा है, वो अपना कॉन्टेंट वीडियो कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके कॉन्टेंट के अंदर भी एड्स नजर आते हैं, तो वो लोग अपने वीडियो कॉन्टेंट से अर्निंग कर रहे हैं। फेसबुक उनके वीडियो कंटेंट पे एड शो करवाता है और उनको उसके लिए पे करता है, जितने भी इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स आएंगे, उसके लिए उनको पे होगा। तो इसको बोलते हैं एड ब्रेक। ये फेसबुक की सर्विस है, मतलब एक अर्निंग मॉडल है। अगर मोनिटाइजेशन करना चाहते हो आप, अगर आपका पेज आप बनाते हो उसके ऊपर वीडियो कंटेंट आप अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हो, यही वजह है कि हर बंदा आजकल लगा हुआ है, जितने
एड ब्रेक, तो इसको एड, इसको ये एड ब्रेक बोलते हैं। इस एड ब्रेक के थ्रू अगर आप वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप एड ब्रेक लेके अपनी वीडियोस के ऊपर शो करवा सकते हो वो एड्स जो दूसरे लोगों के हैं, और उसके ऊपर इंप्रेशंस पे, क्लिक्स पे आपको फेसबुक पे करता है। तो ये भी विद इन द फेसबुक पेज आपकी अर्निंग है, प्लस फेसबुक पे ट्रैफिक है, लोगों को इकट्ठा किया है, आपने अपना एक ऑडियंस बिल्ड कर लिया पेज के ऊपर। तो कोई भी चीज़ आप शेयर करते हो वो काफी लोगों तक पहुंचती है, लोग क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपने वेबसाइट के अंदर ऐड लगाए होते हैं। तो जितने लोग भी ज्यादा ज्यादा फेसबुक से आएंगे आपकी वेबसाइट पे, उन एड्स को व्यू करेंगे, कोई क्लिक करेगा, उसके आपको पैसे मिलेंगे। देखो यहाँ से हम लोग फेसबुक को ही अभी तक लेके चल रहे हैं। मैंने पहले फेसबुक मार्केट प्लेस बताया कि ओएलएक्स की तरह है, यहाँ पे आप अपनी चीजें बेच सकते हो, लोकली आपके लिए डिजाइन किया गया ये। और उसके बाद एड ब्रेक का बता रहा हूँ कि एड ब्रेक आप लोग वीडियोस देखते हो, डिफरेंट वीडियोस फेसबुक पे जाके देखते हैं। जैसे मैं अगर ये देखो ये ऊपर टॉप पे क्लिक करता हूँ वॉच में, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगी। ये जो वीडियोस है, मैं कोई भी वीडियो प्ले करूंगा तो इसमें से वीडियो के अंदर ही एड नजर आएगा, जो एड आपका कुछ सेकंड्स चलेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एड खत्म हो जाएगा और फिर वापस आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। तो वो जो एड नजर आ रहा है वो आपका वो अर्निंग मॉडल बन सकता है, इसको एड ब्रेक कहते हैं। अगर आप उर्दू पॉइंट की तरह, डेली पाकिस्तान की तरह अपना अपनी वीडियोस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हो, अपना वीडियो कंटेंट बनाना प्रोड्यूस कर मतलब तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने फेसबुक पेज पे पब्लिश करते हैं, तो क्या होगा कि फेसबुक से आप एड ब्रेक ले सकते हो। एड ब्रेक क्या है, एड ब्रेक के थ्रू आपकी वीडियोस मोनिटाइज हो जाती हैं। मोनिटाइज कैसे, कि वीडियोस के अंदर Recording in कनेक्ट करने progress. के बाद ये कनेक्ट होके आपके पास जो नजर आने हैं ना वो ऐसे नजर आने हैं। मशहूर पूछना है क्वेश्चन, जब कनेक्ट हो जाएंगे ऑथराइजेशन वगैरह आप दे दोगे तो आपके पास ये इस तरह से नजर आएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तीन तीन अटैच हुए हैं, तो तीन इस तरह से नजर आ रहे हैं, आप देख लें। सर मेरी मल्टी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, मार्केट प्लेस भी है, और वेबसाइट भी चाहता हूँ, तो एक पोस्ट करूँ तो सब प्लेटफॉर्म पे हो जाए लाइव, और पोस्ट भी पर डे 4-5 होती हैं। फिर आपको IFTTT रेसिपीज यूज करनी पड़ेंगी मेरा ख्याल है, फिर उससे और सोल्यूशन के लिए आप पेड लेना पड़ेगा, पोस्ट आपकी पोस्ट की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर पब्लिश कर रहे हो तो फिर तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अगर वीडियोस की रेशियो 1:1 रखी जाए तो यूट्यूब में सोशल मीडिया सबके लिए चल जाएगी। यार देखना पड़ेगा, मेरे से चीट शीट ले लो उसके बाद, मतलब आप ना हमेशा क्या कि अगर गूगल पे जाओ लिखो सोशल मीडिया इमेजेस चीट शीट, सोशल मीडिया एड इमेजेस चीट शीट, उसमें सब सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पूरी चीट शीट आ जाएगी, कौन सा इमेज वीडियो किसके साइज पे होनी चाहिए, वो एक बार देख लो, उसके बाद देखना। मैं अगर अभी कोर्स कह दूँ कि सब पे आ जाएगी, कहीं पे कोई रूल डिफरेंट हो तो प्रॉब्लम बन जाएगा। अच्छा तो ये देखो, जब आप अटैच करोगे प्लेटफॉर्म्स उसके बाद इस तरह से आपको ये अटैच हुए नजर आएंगे। ये आपका फेसबुक आ रहा है, ये आपका लिंक्डइन आ रहा है, ये आपका ट्विटर आ रहा है। ट्विटर को अलग से स्केड्यूल करना पड़ना था, लिंक्डइन मैनुअल पोस्ट करनी पड़नी थी, फेसबुक पे अलग स्केड्यूल करना पड़ना था अगर आप ये टूल यूज ना करते। लेकिन चीट शीट होती है यार, ये देखो यार, ये देखो सोशल मीडिया जी शीट, ठीक है, 2021 कर लो, कुछ भी कर लो, ये मल्टीपल आपके पास आ गए, ठीक है। अब आप इनमें से फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ, तो भी ओपन कर लो। यहाँ पे आपको टोटल साइजिंग चार्ट पूरा बता देंगे कि ट्विटर पे कौन सा है, फेसबुक पे कौन सा है, कौन सा इमेज किस साइज का होना चाहिए, एड इमेज किस साइज का होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं सब पे दिया होगा, जो लेटेस्ट है 2021 का है, आप वो ओपन कर लेना तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ये देखो हर चीज यहाँ पे है, लिंक्डइन का भी हर चीज यहाँ पे है, यूट्यूब का भी हर चीज यहाँ पे है, इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो
बफर पे अकाउंट बनाना है। अगर आप देखो ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक करना हो तो फेसबुक पे अलग स्काइबिंग होगी, ट्विटर के ऊपर अलग होगी, लिंक्डइन के ऊपर कोई स्काइबिंग का मेथड नहीं है, तो वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मैं इन सबको अंडर वन विंडो अटैच कर लेता हूँ। तो मैं मैनेज चैनल्स में गया हूँ, या ऐड चैनल पे जब क्लिक करेंगे ना, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे आपके पास सारे चैनल्स आ रहे हैं, आपने बस उनको लॉग इन करके कनेक्ट करना है। मेरे पास तीन कनेक्टेड हैं और ये ऊपर कनेक्ट न्यू चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो कौन कौन से हो सकते हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन फ्री प्लान के अंदर थ्री हो सकते हैं। उसामा और भी आ रहे हैं यार, कुछ देख लो, जो जो सबसे लेटेस्ट हो आपने वो देखना है। तो सिर्फ सोशल मीडिया इमेजेस चीट शीट जो है वो गूगल पे सर्च करें, आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो लेटेस्ट 2021 का आर्टिकल है वो देख लेना। अच्छा अब देखो ये तीन अकाउंट्स कनेक्ट हैं, नया अटैच करना है तो कनेक्ट योर न्यू चैनल। तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो वो आपको लॉग इन करवा के आप अटैच होगा, और ये फेसबुक के थ्रू अटैच होगा। तो पहले फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में इंस्टाग्राम अटैच होना चाहिए। फेसबुक सिंपल, फेसबुक में करें, पेज सेलेक्ट करें, अटैच कर दें, पेज या ग्रुप कर सकते हैं। ट्विटर लॉग इन करें, अटैच करें, इस तरह मल्टीपल अटैच कर लेंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो फिर मैं ये पब्लिशिंग में वापस आता हूँ। आपके पास ये लेफ्ट साइड बार में जिस तरह से अटैच हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपको भी ऐसे नजर आएंगे। तो अब जरा ना थोड़ा सा इस पे फोकस करना, आपकी ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपकी होती जा रही है, जो हमने शायद नहीं करना था लेकिन हो गया है उसामा की वजह से, या जिन्होंने पूछा था, उसामा ने पूछा था शायद, उस्मान ने पूछा था शायद। हाँ जी, तो ये तीन अकाउंट्स अटैच हुए आ गए। अब इन अकाउंट्स में अब होगा क्या, फायदा क्या हुआ, इसी अंडर वन रूफ ट्विटर फेसबुक लिंक्डइन सबके ऊपर कठी मैं इसकी पोस्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम होता तो उस पर भी कर देता जी, मैं यूज कर रहा हूँ। ये देखिए पोस्ट, दो पोस्ट कई हुई है हर एक के अंदर। अभी करता क्या है देखो, अटैच हो गया। अटैच करने के बाद ये ऊपर देखो क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करें क्लिक। मैं फेसबुक पे क्लिक किया हुआ, मैंने देखो फेसबुक पे क्लिक हुआ हुआ है, सामने क्रिएट पोस्ट है, क्लिक करूंगा। ये मुझसे कह रहा है जी पोस्ट बताएं क्या बनानी है। मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट पोस्ट, कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दिया, ऐड इमेज या वीडियो, वीडियो ऐड करनी है, इमेज ऐड करना है, वो यहाँ से अटैच करूंगा। कोई सा भी वीडियो भी कर सकते हो आप, इमेज भी कर सकते हो। अटैच हो गया, ये लोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है। अब इसका फंक्शन चेक करना, अटैच तो कर लोगे ना, अटैच करना मसला तो नहीं ना, अकाउंट कनेक्ट करना, लॉग इन करोगे, ऑथोराइजेशन दोगे, कनेक्ट होता जाएगा, कर लोगे ना कनेक्ट, कनेक्ट करने तक का। पहले सिंपल अकाउंट, फ्री अकाउंट बनाना है बफर पे, उसके बाद आपने अकाउंट कनेक्ट करने हैं, वहां तक तो कोई मसला नहीं। हाँ अब देखो मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, सामने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, और ये आपके पास जो है ना वो फेसबुक के अंदर जो टेक्स्ट देना था, इमेज देना था, मैंने वो लिख लिया। यार दानिश, वो जो मैंने आप वो कनेक्ट अकाउंट पे लेके गया हूँ, वहां पे आप ट्विटर पे क्लिक करोगे तो वो सीधा ट्विटर पे ले जाएगा आपको। आपसे बोलेगा ट्विटर का यूजर नेम पासवर्ड दो, जो अटैच करना है। यूजर नेम पासवर्ड दोगे, आपके पास ऑथोराइजेशन का एक बटन आ जाएगा, क्लिक करोगे, आप बफर को अलाउ कर रहे हो कि वो अटैच कर ले, वो अटैच कर देगा। ठीक है, सिंपल, उसको अलाउ करना है हर एक ऐप को, आप बफर को अलाउ करना है। फेसबुक पे जाओगे, वो फेसबुक पे लेके जाएगा सारे पेजेस, पहले अकाउंट कनेक्ट करेगा, फिर सारे पेजेस दिखा देगा। आप सेलेक्ट करोगे कौन सा पेज अटैच करना है, पेज पे क्लिक किया, अटैच किया, पेज अटैच हो गया। लिंक्डइन पे गया तो लिंक्डइन पे लॉग इन करना पड़ेगा, वहां से क्या अटैच करना है वो क्लिक करोगे, वो अटैच हो जाएगा। तो कनेक्ट पे क्लिक करते जाना है, और प्लेटफॉर्म पे जाते जाओगे उधर लॉग इन करके अटैचमेंट होगी आपकी। तो ऑथोराइजेशन देनी है, हमें अलाउ करना है बफर को कि हमारे अकाउंट्स को वो अटैच कर ले, विदाउट परमिशन बफर नहीं कर सकता। तो सिंपल मेथड है, करके देखना, कोई इशू आया तो मुझे बता देना। अच्छा इसके बाद ये देखो मैंने फेसबुक पे रख के मैंने क्लिक किया था क्रिएट पोस्ट पे, मेरे पास यहाँ पे मैंने दिया अपना टेक्स्ट, और ये मैंने दिया इमेज। सर एक अकाउंट सिर्फ एक क्लाइंट के लिए हो सकता है, क्यों, एक क्लाइंट का आपने फेसबुक मैनेज करना है, दूसरे का भी फेसबुक करना है, तीसरे का फेसबुक करना है, तीनों अटैच कर लो। एक का फेसबुक करना है, एक का ट्विटर करना है, एक का लिंक्डइन करना है, तीनों अटैच कर लो। तो अगर आप पेड लोगे तो फिर तो आठ अटैच कर लो बेशक, तो दो तीन क्लाइंट्स को इकट्ठा, दो दो, किसी के दो अकाउंट है, किसी के तीन अकाउंट है, वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फ्री में तीन अटैच होते हैं तो वही यूज होगा। और एक क्लाइंट एक मंथ के लिए मैनेज हो रहा है, या पोस्ट कैल की एक मंथ की, एक मंथ कंप्लीट हुआ, उसका काम खत्म हो गया, वो क्लाइंट चला गया, उसके अकाउंट डिलीट करो, नए बंदे के अकाउंट ऐड कर लो, क्योंकि ये मास्टर बफर अकाउंट तो आपका है ना। तो जब तक पोस्ट हो रही है तब तक आप डिलीट नहीं कर सकते उसके अंदर से। जब पोस्ट पब्लिश हो जाएंगी, क्लाइंट चला गया, नया क्लाइंट आ गया, तो पुराने क्लाइंट के सारे अकाउंट वहां से खत्म करो, नए अकाउंट ऐड कर लो।
तो आप दो चार अकाउंट आपके पास फ्री वाले बने हो, तो आप उसमें सारे क्लाइंट्स मैनेज करते जा रहे होगे। ओके हो गया। सो टेस्ट पोस्ट इमेज, अब देखो नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है ऐड टू क्यू, ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, एक आ रहा है शेयर नाउ, एक आ रहा है स्केड्यूल। स्केड्यूल तो अभी बता गया हूं मैं, डेट टाइम सेलेक्ट करो, स्केड्यूल कर दो। शेयर नाउ फौरी तौर पर इसको शेयर कर दो। ओके, ऐड टू क्यू क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। तो ये देखो, ये सिर्फ फिलहाल क्या हो रहा है कि फेसबुक के सामने मैंने क्रिएट अकाउंट पोस्ट पे क्लिक करके इसको डिजाइन किया है, इमेज मतलब इमेज दी है और टेक्स्ट दिया है, और उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ शेयर नाउ या स्केड्यूल। स्केड्यूल कि कल परसों आज शाम को किसी टाइम पे स्केड्यूल कर लो, शेयर नाउ फौरी तौर पर शेयर कर दो। ऐड टू क्यू क्या है मैं बताता हूँ, अभी ये लास्ट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे मजे का ऑप्शन क्या है कि ट्विटर पे मुझे अलग जाके स्केड्यूल करना पड़ना था, फेसबुक पे मुझे अलग स्केड्यूल करना पड़ना था, लिंक्डइन पे मैनुअल करना पड़ना था, स्केड्यूलिंग ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे क्या मजा आया है, फेसबुक देखो ऑन था, फेसबुक के लिए आप बना रहे हो, ये फेसबुक लिखा भी आ रहा है, फेसबुक के लिए ये पोस्ट बन गई। जब ये पोस्ट रेडी हो जाएगी तो क्या करो, ऊपर देखो आपके पास लिंक्डइन भी नजर आ रहा है और नजर आ रहा है ट्विटर भी, और दोनों ब्लैक एंड व्हाइट है। सिर्फ इस टाइम जो कलरफुल आइकन है ना वो फेसबुक का है, लिंक्डइन और जो ट्विटर है वो कलरफुल नहीं है। जब मैं ये कर्सर लेके जाता हूँ अपना माउस, तब ये होते हैं, वरना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेम पोस्ट लिंक्डइन पे भी जाए, ट्विटर पे भी जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिंक्डइन को ऑन कर दूंगा, ये देखो लिंक्डइन पे आ गई पोस्ट। मैं ट्विटर को ऑन करूंगा, ये लो ट्विटर पे भी सेम पोस्ट बनी बनाई आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके शेयर नाउ करूंगा तो तीनों के ऊपर पोस्ट लाइव हो जाएगी। मैं स्केड्यूल पोस्ट करूंगा तो तीनों के ऊपर ही स्केड्यूल हो जाएगी, मैजिक। आगे समझ कि एक ही क्लिक के अंदर एक ही पोस्ट डिजाइन की हुई है, और आपने सारे प्लेटफॉर्म ऑन कर दिए और आप उसको स्केड्यूल कर दो, लाइव कर दो, जो आपका दिल करता है आप कर दो। आगे समझ। तो यार एडिटेबल भी तो है ना ट्विटर, ये देखो पोस्ट बड़ी थी, ट्विटर पे पोस्ट में 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है, नहीं उससे ज्यादा लेके जा सकते, तो उसको शॉर्ट कर लो, सिंपल। पहले एक बनाओ, सब पे ऑन करो, ट्विटर के अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, पोस्ट बड़ी हो रही है, उसको शॉर्टन करो, अपने हिसाब से एडजस्ट करो, उसके बाद शेयर नाउ कर दो, ये स्केड्यूल पोस्ट कर दो, बात खत्म। तो कितना ईजी हो गया। और अभी कोई कोई प्लेटफॉर्म किसी टाइम भी ऑफ करना है कि मुझे ट्विटर पर नहीं करनी, ऑफ करो, ट्विटर पर नहीं होगी। तो सिर्फ एक दफा पोस्ट बना के आपने प्लेटफॉर्म ऑन करने और काम हो गया। शेयर नाउ करो तो फौरन लाइव, स्केड्यूल पोस्ट करो तो अपनी मर्जी की डेट टाइम सेलेक्ट कर लो, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसी टाइम पे स्केड्यूल हो जाएगी। ओके हो गया। अब ऐड टू क्यू के लिए हमें कैलेंडर बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर देखा है, वहां लिखा हुआ आ रहा होता है कि 5 orders in queue, 3 orders in queue, 8 orders in queue, 1 order in queue। डिफरेंट लोगों की गिग्स ओपन करते हो तो गिग के ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा होता है इतने ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हैं जी। 3 free for lifetime और 10 posts each platform आप at a time scheduling कर सकते हो, मतलब 10-10 posts at a time schedule हो सकती है तीनों फ्री प्लान के अंदर। पेड में जाओगे तो 100 each। अच्छा सर, इसके लिए तो क्लाइंट से यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, ट्विटर का चाहिए होगा, लिंक्डइन के लिए सिर्फ आपके पास उसके पेज के मैनेजरी राइट्स हो आपके लिंक्डइन पे, फेसबुक के लिए उसके पेज का उसका पेज आपके पास हो बस। तो ट्विटर है या इंस्टाग्राम है तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, या इंस्टाग्राम उस बंदे ने अटैच किया हो क्रिएटर स्टूडियो के साथ। 10 posts at a time, 10 posts आप 10 दिन के लिए कर लो, आप पूरे मंथ के लिए कर लो, एट अ टाइम क्यू के अंदर 10 posts लग सकती हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म में 10 posts स्केड्यूल हो सकती है एट अ टाइम, उससे ज्यादा नहीं होंगी फ्री प्लान में। जैसी 10 में से 1 post हो गई, 2 post हो गई तो 8 रह गई, 2 और आप स्केड्यूल कर सकते हो। तो एट अ टाइम जो स्केड्यूलिंग है ना वो 10 10 10 एट अ टाइम आप कर सकते हो, ये लिमिट है फ्री के अंदर। आफ्टर 10 पेड होगा तो होगी ना, वरना होगी नहीं, स्केड्यूल नहीं होगी। ओके हो गया जी। क्रिएटर स्टूडियो में 1 month की भी हो जाएंगी, फेसबुक में भी हो जाएंगी। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकेला आपके पास है तो फिर इसको यूज ना करो, फिर आप वहीं से जाके कर लो।
लेकिन जब मल्टी प्लेटफॉर्म आ गए कि लिंक्डइन का ऑप्शन नहीं है तो फिर कहाँ से करेंगे, उस पर लग जा करते रहोगे। यहाँ पे ऐड कर ही रहे हो तो चलो फेसबुक भी कर लो, ट्विटर भी यहीं पे कर लो, इकट्ठी अंडर वन विंडो सारी हो जाएंगी, आपको अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा आपका। ओके हो गया। सो आप लोगों ने फाइवर पे ऑर्डर देखे है ना, वन ऑर्डर इन क्यू, टू ऑर्डर इन क्यू, थ्री ऑर्डर इन क्यू लिखा हुआ आ रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि इस पर्सन के बास्केट में, बकेट के अंदर इस टाइम इतने ऑर्डर पड़े हुए हैं जो ये करने हैं इसने, अभी जो इसने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, इतने ऑर्डर इसकी क्यू में, इसकी बकेट में पड़े हुए हैं, ये इसका मतलब होता है। तो ये क्यू वही चीज है। अब ये क्यू काम कब करती है, कैसे करती है? अब देखो स्केड्यूल पोस्ट का ऑप्शन बड़े जबरदस्त है, आप किसी भी टाइम पे किसी भी डेट में आराम से स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। बफर कहता है हम आपका ये काम भी इजी करते हैं, फर्दर इजी करते हैं। देखो सोशल मीडिया पे जब आप पोस्टिंग करते हो ना, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप एक फिक्स टाइम के ऊपर जाते हो जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस ज्यादा वो ना आपके अकाउंट पे आ रही होती है, आपके पेज पे आ रही होती है, लाइक शाम 5 बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम, आप कहते हो एक पोस्ट इस टाइम पे करनी है मुझे, एक पोस्ट मुझे सुबह 7-8 बजे करनी है। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी यही काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, बात कोई फर्क नहीं है। मुझे बफर की जो इंटरफेस है, बफर का जो यूजर एक्सपीरियंस है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू हूटसूट। वो भी बहुत अच्छा अपनी जगह पे है, लेकिन ये मुझे उससे ज्यादा इजी टू यूज लगता है, बड़ा सिंपल सा यूजर इंटरफेस है। तो वो अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह अच्छा है, ये भी यूज कर लो, वो भी यूज कर लो, क्लाइंट वो भी लेके आ सकता है, वो यूज कर लेना। तो उसमें लिमिटेशन भी थोड़ी ज्यादा है, वो सिर्फ 3 पोस्ट या 5 पोस्ट स्केल करने देते हैं एक ही, मतलब एक अकाउंट के लिए, और 2 अकाउंट मेरे ख्याल में अटैच करने देते हैं वो, अब 3 नहीं करने देते, तो थोड़ा सा लिमिटेशन ज्यादा है फ्री अकाउंट के अंदर। बाकी अल्टरनेटिव एक दूसरे के काम एक ही करते हैं। अच्छा अब क्यों क्या है, देखो बफर आपके लिए चीजें इजी कर रहा है, बफर कहता है स्केड्यूल तो करते हो ठीक है, अब आपने टाइमिंग फिक्स की हुई है कि मेरी पोस्ट डेली शाम 5 बजे, सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे, 2 टाइम मेरी पोस्ट होगी डेली, टाइम फिक्स है। तो अनटिल अनलेस वो पोस्ट जो आप करने लगे हो वो टाइम स्पेसिफिक ना हो, कि किसी किसी स्पेसिफिक डेट को मेंशन ना किया उस पोस्ट के अंदर, आपको कोई मसला नहीं है। आप कहते हो बस पोस्ट लाइव हो, एक सुबह 9 बजे हो जाए, एक शाम 5 बजे हो जाए, जो टाइम स्पेसिफिक नहीं है कौन सी 9 बजे हो रही है, कौन सी 5 बजे हो रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, होती रहे। हाँ जो टाइम जिसके अंदर होगा कि एक इवेंट हो रहा है, इस डेट पे हो रहा है, उस डेट पे पोस्ट जानी है, तो वो फिर आप सिंपल आओगे और उस डेट पे आके स्केड्यूल कर दोगे। लेकिन बाकी जो पोस्ट है, नॉर्मल पोस्ट है, उनका फिक्स टाइम है सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे, दो दो पोस्ट होती हैं आपकी वीक में, 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आप ट्यूसडे भी ऑफ करते हो, आप थर्सडे भी ऑफ करते हो, आप वीकेंड्स के ऊपर भी पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप वीक डेज में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन में दो दो पोस्ट कर रहे हो, एक सुबह 5 बजे, एक शाम को, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे। तो बफर कहता है कि आप कर तो सकते हो कि ये वाली अगर शाम 5 बजे स्केड्यूल करो, जिस डेट को है 5 बजे, जितने बजे भी है वो स्केड्यूल करो, स्केड्यूल कर दो। लेकिन बफर कहता है कि हम और भी इजी करते हैं, आप ऐसे करो एक कैलेंडर बनाओ, हमारे पास कैलेंडर का ऑप्शन है, उसमें आप स्लॉट्स बना लो, पक्की स्लॉट्स बना लो, सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे, सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे, सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे। जो भी पोस्ट आप यहाँ बनाओगे वो सिर्फ ऐड टू क्यू पे क्लिक करो, तो जो आपने टाइम बनाया हुआ है ना सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे, ये पोस्ट ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जाके स्केड्यूल हो जाएगी। कैसे? आज अभी पाकिस्तान के टाइम को अगर सोचें, 3:28 PM हुए, मैं ये पोस्ट बना रहा हूँ, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, 3 दिन का मैंने ये एक कैलेंडर बना दिया हुआ है, टाइम स्लॉट्स फिक्स कर दिए हैं। अब ये पोस्ट मैं बना रहा हूँ, ये बना के बजाय स्केड्यूल करने के, बजाय शेयर नाउ करने के, मैं ऐड टू क्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा, जो टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है ना, जो कैलेंडर में मैंने फिक्स की हुई है, ये पोस्ट उसमें से एक टाइम स्लॉट पे जाके स्केड्यूल हो जाएगी। अब किस टाइम स्लॉट पे स्केड्यूल होगी? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन टाइम स्लॉट है, 9:05, 9:05, 9:05। मुझे बताओ अगर ये वाली पोस्ट, मैं पहली पोस्ट बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने कोई स्केड्यूल नहीं की, ये पोस्ट मैं बना के इसको ऐड टू क्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये किस टाइम पे जाके ऑटोमेटिकली स्केड्यूल हो जाएगी अगर मैंने कैलेंडर फिक्स किया हुआ है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 9 AM, 5 PM। तो ये पोस्ट किस दिन पे, किस कब होगी? आज पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग भी कह रहा हूँ, इस टाइम हुए हैं 3:29 PM, मंडे आप कह रहे हो, मैंने एक स्लॉट बनाई है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 9 AM, 5 PM,
आज है वेनेसडे, मंडे गुजर चुका हुआ। ये पोस्ट आज सुबह 9 बजे पे नहीं हो सकती, 9 वाला टाइम गुजर चुका हुआ है। जो अपकमिंग टाइम है, क्योंकि पहली पोस्ट है, अपकमिंग टाइम जो है वो कौन सी स्लॉट खाली पड़ी हुई है, कोई पोस्ट पहले नहीं हुई, आज शाम 5 बजे की, वेनेसडे शाम 5 बजे की। तो अभी 3:29, 3:30 PM हुए हैं, तो 1.5 घंटे बाद की जो स्लॉट है मेरी, ये पोस्ट ऑटोमेटिकली उस पर चली जाएगी। ओके हो गया। तो मेरे पहले कोई पोस्ट कैरियर नहीं हुई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई क्यों में नहीं लगी हुई, पहली पोस्ट है। तो अभी के बाद जो सब नेक्स्ट स्लॉट आ रही है वो शाम 5 बजे की आ रही है। तो ये पोस्ट आपकी अगर ऐड टू क्यू पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली शाम 5 बजे स्केड्यूल हो गए। हालांकि मैं ये स्केड्यूल के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन वो कहते हैं कि जो टाइम स्लॉट फिक्स है ना, बफर कहता है वो कैलेंडर में ऐड कर दो, आपको और इजी कर देंगे, सिर्फ ऐड टू क्यू करो ऑटोमेटिकली वहां पे चली जाएगी। अच्छा, दूसरी पोस्ट स्केड्यूल करता हूँ, दूसरी पोस्ट बनाता हूँ और उसको मैं ऐड टू क्यू करता हूँ, कहाँ जाएगी वो मैं करवाता हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो टाइम स्लॉट बनाना कोई मसला नहीं है। दूसरी पोस्ट में करता हूँ, कहाँ जाएगी 9 AM कब क्यों में, ये है कि स्केड्यूल सेट है, पोस्ट ऑटोमेटिकली वहां चली जाएगी। स्केड्यूल ये है कि अपनी मर्जी का, अपना टाइम डेट हर चीज अपनी मर्जी की कर सकते हो। तो स्केड्यूल वाला ऑप्शन स्टिल यूज करेंगे उस पोस्ट के लिए जो किसी स्पेसिफिक डे के लिए है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, क्योंकि उसमें क्यों काम नहीं करेगा। क्यों में हमने करनी हो वो 12 को और वो हो जाए 18 को, तो क्यों वो काम नहीं करेगा, क्यों होता है नॉर्मल पोस्ट के लिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारी टाइम स्लॉट आ रही है वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को सुबह 9 AM के ऊपर। तो ये जो पोस्ट सेकंड वाली होगी वो ऑटोमेटिकली फ्राइडे को सुबह 9 बजे पर चली जाएगी। थर्ड पोस्ट स्केड्यूल करोगे वो ऑटोमेटिकली फ्राइडे को शाम 5 बजे पर जाकर स्केड्यूल हो जाएगी। फोर्थ पोस्ट बना के ऐड टू क्यू करोगे तो फ्राइडे के बाद जो क्यू आ रही है मंडे पे आ रही है, मंडे को सुबह 9 बजे, तो मंडे 9 पे चली जाएगी। ठीक है, तो क्यू क्या करेगा कि जो जो टाइम, जो जो उसको टाइम स्लॉट खाली नजर आएगी ना, जो जो नई पोस्ट आप क्यू करते जाओगे वो वहां पे जाके एडजस्ट होती जाएगी। ये क्यू करता है, तो जो फिक्स टाइमिंग हो और आपकी रैंडम पोस्ट हो उसके लिए हम बना के रख लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी होता रहे, हमें स्केड्यूल के ऊपर जो टाइम लगता है वो बिना लगाना पड़े। और स्केड्यूल का ऑप्शन फिर भी यूज होगा बीच में, तब जब एक पोस्ट है उस पर मेंशन है कि ये पोस्ट मंडे की है, मंडे लिखा हुआ है उसके अंदर, तो वो मंडे पे ही होनी है, तो हम उसे फिर स्केड्यूल करके मंडे को अपनी मर्जी के टाइम पे स्केड्यूल भी कर सकते हैं। कोई पोस्ट है जिसपे स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है कि ये 16 अगस्त को जो है ना ये होनी है, 14 अगस्त की ये पोस्ट है, तो वो हम फिर स्केड्यूल करेंगे, क्योंकि क्यू में डालेंगे तो क्यू में तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी, तो इस वजह से उस केस में हम स्केड्यूल करेंगे। टाइम स्पेसिफिक पोस्ट हो, डे स्पेसिफिक पोस्ट हो, ना हो कोई मसला नहीं है, तो फिर आप क्यू क्यू कर उसको क्लिक करके, स्केड्यूल भी क्लिक करके, टाइम डेट सेलेक्ट करके स्केड्यूल कर रहे हो। इसमें टाइम तो कोई इतना ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन बफर इसको भी बचा रहा है, इस टाइम को भी बचा रहा है, सेव कर रहा है। ओके हो गया। तो शेयर नाउ का ऑप्शन है, स्केड्यूल का ऑप्शन है, ऐड टू क्यू का ऑप्शन है, मैं बता दिया कैलेंडर में स्लॉट सेट करते हैं। अब वो स्लॉट सेट कैसे करते हैं मैं बताने लगा हूँ, और ये आपको पता लग गया कि एक ही जगह पे पोस्ट बना के किस तरह से हम सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लेके आ सकते हैं। क्लियर, अब मैं आपको स्लॉट सेट करना बताने लगा हूँ। ऑल क्लियर है तो बताओ, मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ। लगता है इस चीज की समझ आ रही है आज, कुछ लोग फिर भी कंपैरेटिवली बैठे हैं अभी तक। और ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस प्रॉपर ऑफर की जा सकती है। बड़े मजे की चीज है ये, और इसकी भी ये सर्विस भी सर्विस है, एक सेपरेट सर्विस है। चलो एक अच्छी चीज है, ये भी आपने साथ ही कर लिया। अच्छा तो बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं बताने लगा आपको वो जो स्लॉट सेट करनी है वो कैसे करनी है। ये देखो, फेसबुक कनेक्ट हुआ, एक बार बस स्लॉट सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद जब उसको चेंज करना हो तब भी चेंज करना है, वरना कुछ नहीं करना, और हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। अब देखो फेसबुक है, फेसबुक के लिए करना है, फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक पे यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट कर रहे थे, देखो सामने अमेरिका न्यूयॉर्क का टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये होता है। तो पहला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद देखो ये क्यू का ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर पोस्ट वगैरह जो आप स्केड्यूल कर रहे हो वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई है आ रही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एनालिटिक्स का आ रहा है, जहाँ पे आपको सारी पोस्ट का एनालिटिक्स वगैरह शो होगा। अब वेटिंग अप्रूवल, ड्राफ्ट और फिर सेटिंग। तो प्लेटफॉर्म नंबर वन फेसबुक सेलेक्ट किया, ये क्यू वाली लाइन में सबसे एंड पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे आना है, फर्स्ट टाइम आना है, बस एक बार आना है और लाजमी आना पड़ता है। क्यों? एक तो कैलेंडर सेट करना है, टाइम स्लॉट सेट करनी है, और दूसरा क्यों आना है यहाँ पे कि आपने टाइम जोन भी सिलेक्ट करना है। अब मेरा क्लाइंट न्यूयॉर्क का है तो मैं 9 AM के ऊपर पोस्ट करता रहूँ, लेकिन वो हो पाकिस्तान का 9 AM, तो वो तो उसका रात का 9 AM 9 PM बन जाएगा, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो जिधर का क्लाइंट है जिसके लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो, उस क्लाइंट का टाइम जोन सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ताकि अगर हम 9 AM लिखें तो उसके टाइम जोन का 9 AM हो, हमारा 9 AM ना हो, तो इसलिए एक बार आना ही पड़ता है। सो फेसबुक सेलेक्ट किया, फेसबुक सेलेक्ट करके क्यू में आप बाय डिफॉल्ट होते हो, आपने क्या करना है क्यू की बजाय ये सेटिंग्स में चले जाना है, जो लास्ट पे सेटिंग आ रही है इसी लाइन के अंदर, ओके। अब ये लास्ट में आ गए, अब इसके अंदर देखो आपके पास ये जनरल का ऑप्शन आ रहा है और पोस्ट स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, पोस्टिंग स्केड्यूल का, आपने इस पे आ जाना है। चलो अब ये हर प्लेटफॉर्म के साथ होना है, आपने लिंक्डइन का भी करना है, ट्विटर का भी करना है। तो दोबारा बता रहा हूँ, फेसबुक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, क्यों में आप बाय डिफॉल्ट होते हो, आपने सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके जनरल में आते हो, जनरल की बजाय आपने पोस्टिंग स्केड्यूल में आ जाना है। जैसे पोस्टिंग स्केड्यूल में आए देखो ये लिखा हुआ आ रहा है टाइम जोन, अकॉर्डिंगली हम टाइमिंग फॉलो करें। आप नीचे में 9 AM कह रहे हो, 5 PM कह रहे हो, तो वो किस टाइम का 9 AM 5 PM हो, तो यहाँ पे आपको वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूँ जी न्यूयॉर्क का हो, लाहौर का हो, हर जगह का, हर एरिया आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर दिया, ऑसम, योर स्केड्यूल हैज बीन सक्सेसफुली सेव। तो टाइम जोन सेलेक्ट हो गया कि मैं यहाँ पे 9 AM 5 PM जो भी बात करूंगा वो न्यूयॉर्क एरिया का 9 AM 7 PM होगा, ओके हो गया। अब नीचे आ जाओ, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है एडिंग अ न्यू टाइम पोस्टिंग, ये कैलेंडर सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। ये 11 AM 11 AM 11 AM मैंने सेट किया हुआ है, मैं इसको करता हूँ क्लियर ऑल पोस्टिंग टाइम। आपके पास स्टार्टिंग में अजीब गरीब से आ रहे होंगे, तो इसलिए एक बार क्लियर ऑल पोस्टिंग टाइम्स पे क्लिक करना। आई एम श्योर एम्प्टीड, सारे स्केड्यूल खत्म कर दिए, क्यू में कुछ भी नहीं है, मतलब या क्यू वाला तो कैलेंडर सेट नहीं हुआ हुआ। अब मैं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज जैसे इसका 11 है, तो मैं 11 ही कर लेता हूँ कि मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को 11 AM के ऊपर मुझे पोस्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एड अ न्यू पोस्टिंग टाइम पे जाऊँगा, एवरी डे लिखा हुआ आ रहा है, वीकडेज लिखा हुआ आ रहा है, वीकेंड्स लिखा हुआ आ रहा है, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे अलग अलग भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जी मंडे वाले दिन जो पोस्ट मेरी हो वो कब कब हो, मेरी 11 AM पे। अब ये 11 AM कौन सा होगा, न्यूयॉर्क सिटी वाला न्यूयॉर्क टाइम, एड पोस्टिंग, मंडे का टाइम ऐड हो गया। अब मैं ट्यूसडे मिस कर रहा हूँ, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को आऊँगा 11 AM एड, ये वेडनेसडे का टाइम आपका ऐड हो गया। उसके बाद आपने चले जाना है फ्राइडे पे, फ्राइडे पे आए 11 AM एड पोस्टिंग टाइम ऐड, और मेक श्योर करना है कि ये जो चीज़ें ऊपर आपके पास लिखी हुई आ रही है ना, ऑफ है टाइम, ये ऑन होना चाहिए, फॉर सम रीज़न ऑफ आ रहा है, ये ऑन इस तरह से हाईलाइटेड होना चाहिए। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन के अंदर 11 AM 11 AM 11 AM ऐड कर दिए, बाकी सारे दिन ऑफ हैं, कोई उसके ऊपर टाइमिंग नहीं है। तो क्यू के अंदर जब भी पोस्ट ऐड करोगे तो पहली पोस्ट मंडे, दूसरी पोस्ट वेडनेसडे, तीसरी पोस्ट फ्राइडे, लेकिन अभी आज के अकॉर्डिंगली अगर करें तो पोस्ट कब होगी, 11 AM पे ही होगी आज भी, क्योंकि न्यूयॉर्क का 11 AM अभी तक नहीं हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर अभी रात है, वहाँ पे इस टाइम रात के बल्कि सुबह होने वाली है, 6:39 हो चुके होंगे वहाँ पे, तो अभी 11 AM जो है वो नहीं हुआ न्यूयॉर्क का। तो अगर मैं कोई पोस्ट आज क्यू में करूँगा तो वो वेडनेसडे को ही 11 AM पे जाएगी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि न्यूयॉर्क हमसे 9 घंटे आगे, मेरे हम या 12 घंटे का डिफरेंस है या 9 घंटे का है। तो अगर 12 घंटे का है तो वहाँ पे अभी एग्जैक्टली 3:39 AM हुए हैं, और अगर 9 आवर्स का है तो वहाँ पे 6:39 AM हो चुके हैं, तो 11 AM स्टिल नहीं हुआ। तो आज पोस्ट स्केड्यूल करेंगे, मतलब क्यों करेंगे, तो आज ही 11 AM पे जाएगी, सेकंड फ्राइडे पे, थर्ड मंडे पे, फोर्थ फिर वेडनेसडे पे, फिफ्थ फिर फ्राइडे पे, तो ऐसे ही ये बस आपकी जो टाइम स्लॉट्स आगे की जाती जाएंगी, ठीक है। तो ये टाइम स्लॉट करने का मेथड है, टाइम जोन सेलेक्ट किया, टाइम स्लॉट सेलेक्ट की, काम खत्म। अब क्यू में जब भी सिलेक्ट करोगे फेसबुक के लिए, तो फेसबुक में आज करोगे क्यू में, तो आज वेडनेसडे को 11 AM पे पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगी, सेकंड करोगे फ्राइडे को 11 AM, थर्ड करोगे मंडे को 11 AM, फोर्थ करोगे वेडनेसडे को 11 AM,
फिफ्थ करोगे फ्राइडे को 11 AM, फिर सिक्स्थ करोगे तो मंडे, सेवन्थ वेडनेसडे, एट्थ फ्राइडे, नाइन्थ मंडे, टेंथ वेडनेसडे, इलेवंथ फ्राइडे, तो क्यों क्यों करते जाओगे तो इस सीक्वेंस के अंदर ऐड होते जाएंगे जो जो भी नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है। लेकिन अगर डे और टाइम स्पेसिफिक हो तो फिर आप क्यों ना करना, फिर स्केड्यूल का ऑप्शन यूज करना। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म के लिए ओके कर दिया, ऐसे ही सबका ऑन है। ऐसे ही आप आओगे लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन में आओ पाओ, लिंक्डइन के अंदर क्यू की बजाय सेटिंग में जाओ, सेटिंग में से जनरल के साथ पोस्टिंग स्केड्यूल में जाओ। ये देखो ये टाइम है, अब देखो न्यूयॉर्क टाइम है, इसका भी कर सकता हूँ न्यूयॉर्क टाइम, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑन है, आपको ऐड करना आ गया, मैं इसलिए रिमूव नहीं करता इसको। फिर आप चले जाओगे ट्विटर के अंदर, ट्विटर में भी आप क्यू की बजाय सेटिंग में, सेटिंग में आके आप सेलेक्ट करेंगे टाइम जोन न्यूयॉर्क और फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो तीनों के टाइम जोन सेलेक्ट कर लिए, टाइम की कौन सा काउंट हो और आपने क्यू सेलेक्ट, क्यू का जो है स्लॉट सेलेक्ट कर ली, काम खत्म। अब आप जो भी क्यू करोगे वो इन्हीं को फॉलो करेगा, और स्केड्यूल वाला अपनी मर्जी का स्केड्यूल लगा सकते हो, पब्लिश नाउ करना है तो ऑप्शन भी आपके पास है, सारे ऑप्शन आपके सेट हो गए। यहाँ तक बताओ किसी किस्म का कोई इश्यू आ रहा हो, और इस टूल का जो फीचर है कितना पावरफुल टूल है ये समझ आ रही हो, ये मुझे बताएं यहाँ तक। छह लोग भाग गए हैं, लगता है बस होना शुरू हो गई है। क्लियर है? तो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप इसके थ्रू बड़ी अच्छी कर सकते हैं। अब ना एक चीज बस जाते जाते, बस इसके बाद दैट्स इट, एक चीज और बतानी है, बस एक चीज और बतानी है। आपने क्लाइंट के लिए एक मंथ के लिए पोस्ट स्केड्यूल की, क्लाइंट जो है वो एक मंथ पे कर दिया, अगले मंथ आपने फिर स्केड्यूल कर दी, क्लाइंट अगले मंथ आया ही नहीं, आपको पे ही नहीं कर रहा, ये जितना आप स्केड्यूल करोगे उतनी देर चलता रहेगा। अच्छा अब मुझे बताओ कि एक एक क्लाइंट है उसने आपको पे, जी बात करता हूँ, तो एक क्लाइंट है उसने आपको ना आपको मतलब पे नहीं किया सेकंड मंथ के लिए, और आपने उसकी पोस्ट एक मंथ के स्केड्यूल कर दी ही है, अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको पे नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आओगे और आके ये सारी जो है डिलीट कर दोगे, ठीक है? जैसे ही आपने डिलीट की, मतलब आपने उसको रिमाइंडर दिए, वेट करते रहे, पोस्ट हो जा रही है, बंदा आ ही नहीं रहा, आपने क्या किया, गुस्सा आया, आप आए फेसबुक में, गए सबको डिलीट डिलीट डिलीट, आप दूसरे में गए डिलीट डिलीट डिलीट, हर चीज डिलीट कर देंगे या डीअटैच कर दोगे। चलो हुआ क्या, जैसे ही आपने डीअटैच किया डिलीट किया तो अचानक से क्लाइंट वापस आ गया, कहता सॉरी आई वाज बिजी और मैं वापस आ गया हूँ, मैंने तुम्हें पे कर दिया, तो प्लीज प्रोसीड। लेने के देने पड़ गए कि मैंने तो सारी मेहनत जो की हुई थी, सारी पोस्ट ऐड की थी, मैंने तो गुस्से से रिमूव कर दी है या अकाउंट डीअटैच कर दिए मैं, अब दोबारा से फिर बैठ के सारी की सारी स्केड्यूल करूँ, ऐसे ही होगा ना? और यार ट्विटर पे पोस्ट नहीं ट्वीट होगी, वो पोस्ट ही होती है ना, नाम ट्वीट होता है। क्यों मैं ऐड करके स्केलिंग ऑफ कर देंगे? स्केलिंग ऑफ कैसे करोगे? जी मेरे पास कोई हल है, मैं इसलिए बता। अच्छा क्या करोगे? ये फेसबुक है, सब डेज ऑफ करेंगे तो वो क्यों ऑफ होगी ना, जो मैनुअल स्केड्यूल की होगी वो तो ऑफ नहीं हुआ होगा ना, तो बेहतरीन हल क्या है, ये फेसबुक है ना, आप फेसबुक पे आओगे, सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग पे जाके पोस्टिंग स्केड्यूल में जाओगे, जहां से हमने सारा कैलेंडर सेटिंग किया है, ये लिखा हुआ आ रहा है पॉज क्यू, इसको क्लिक कर देंगे, पॉज क्यू करेंगे तो ये फेसबुक के ऊपर जितनी पोस्ट है सारी पॉज हो जाएगी। फिर लिंक्डइन पे आओगे, लिंक्डइन पे आके सेटिंग्स में, सेटिंग्स में पोस्टिंग स्केड्यूल में, जहाँ पे आपने टाइम वगैरह सेलेक्ट किया सारा, यहाँ पे आके पॉज क्यू, ये भी पॉज हो जाएगा। ट्विटर पे आओगे, ये भी पॉज कर दो, ये भी पॉज हो जाएगा। होगा क्या कि रुक जाएंगी सारी पोस्ट, और जब क्लाइंट जो है वो दोबारा आएगा पे कर देगा, तो वापस आना रहा के दोबारा से रीएक्टिवेट कर देना, जैसे देखो ये पॉज क्यू है, तो फिर आप रिज्यूम कर दोगे, तो क्या होगा कि पोस्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एडजस्ट हो जाएंगी, मतलब 2 दिन बंद रही है तो 2 दिन की जो थी वो आगे सारी शिफ्ट हो जाएंगी, दोबारा से क्यू स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दानिश सिर्फ नाम चेंज है, ट्विटर पे ट्वीट बोलते हैं हम, जो भी पोस्ट करते हैं उस पोस्ट को ट्वीट बोलते हैं, तो नाम का फर्क है बस।
और ज्यादातर बड़ा शॉर्ट सा उसका स्पैन है, मतलब 280 करेक्टर्स मैक्सिमम लिमिट है ट्विटर के ऊपर कोई भी पोस्ट करने की, ट्वीट करने की। तो सिर्फ नाम का फर्क है, ट्विटर की पोस्ट को ट्वीट कहते हैं बस। समझ आ गया क्यों क्यों पॉज करने का? दैट्स इट, खत्म। उसके बाद जो उस्मान, आप ना उस्मान या उसामा जिन्होंने बोला था, बफर को, इसी बफर को आपने फिर अपने वर्डप्रेस के साथ अटैच कर देना है, तो वहां पे कोई भी पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इस क्यू में आएगी, वो क्यू को भी फॉलो कर सकती है, या फॉरन लाइव करना है वो भी हो सकता है, उसके थ्रू आगे जाती रहेगी। सर स्केलिंग टूल फिर भी पॉज का ऑप्शन होता है फेसबुक स्केलिंग टूल पे? पॉज का ऑप्शन मेरा ख्याल है नहीं होता, नहीं होता जी उस्मान। हाँ जी, समझ आई है आज की? चार लोग और चले गए। वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन है बफर का, बफर का प्लगइन अटैच करके उसको लिंक करेंगे इसी बफर के साथ। हाँ काश मिल जाती। चलें जी, आई होप के समझ आई होगी। ये वो टॉपिक हमने छेड़ दिया जो टॉपिक हमने शायद टच करना ही नहीं था, तो ये डिस्कस हुआ तो मैंने कहा चलें आपको सारा बता ही दूं, अपने लिए भी फायदा है, क्लाइंट्स को भी सर्विस दे सकते हो आप इसकी और अर्निंग कर सकते हो अच्छी। क्लियर हो गया? चलें एक बार टेस्ट करके देख लेना ना अपने अकाउंट वगैरह पे, अकाउंट्स पे, और ताकि आपको आइडिया हो गया काम किस तरह से कर रहा एग्जैक्टली। जी जजाकअल्लाह, आप लोगों का फायदा हो जाए बस, मेन चीज ये है। आप लोग स्लो चले हो, अब मतलब टाइम बचता रहे अगर बचा ना, और अगर ये बैच एक्सटेंड हुआ हो सकता है होपफुली कि टाइम ज्यादा मिल जाए हमें, तो मिल गया तो जो जो कहते रहोगे मैं करवाता जाऊंगा। वो भी फाफ में इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारा बैच जो है हो सकता है हमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ लेक्चर्स एक्सटेंड हो जाएं। चलो इंशाल्लाह करेंगे जी। बस लेक्चर खत्म है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो बस उसको वाइंड अप करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इससे रिलेटेड कीवर्ड बता दें प्लीज जो कोई अच्छा हो। फेसबुक मैनेजमेंट भी है, मतलब इसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम मैनेजर, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, क्योंकि मुझे माइंड में तो नहीं कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा, मैं मेन मेन बता रहा हूँ। और सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसके रिलेटेड सर्च करो। वो अच्छा मिले जहाँ पे गिग्स थोड़ी कम हो, जहाँ पे सर्च वाली, उस पे करेंगे। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ फिर इंशाल्लाह ताला। जी जैनब, अच्छा सर जैनब, इसमें इस तरह है कि आप ना फिलहाल अपने आप बनवाने पे ना जाओ, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है आप कैंटीन भी नहीं बनाओ ना, तो एक कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह वाली साइड पे, तो उसका एक सोल्यूशन, एक अल्टरनेटिव ये है कि अपनी फैमिली के अंदर, घर में कोई है नहीं है तो फैमिली के अंदर कोई है जिनका बिजनेस है, जिनके रजिस्ट्रेशन है, आप उनकी इन्फॉर्मेशन यूज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 2CO के ऊपर। तो बजाय इसके कि आप पूरा एक अपने अपने आप को भी एनटीएन में लेके आओ, फेक भी बन जाता है, बट फेक इज नॉट एथिकल, तो मैं इसलिए उस साइड पे नहीं कहता कि बिजनेस की बेस ही अगर आप फेक बना लोगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो आप ये कर लो कि अपने फैमिली में अगर कोई ऐसे हैं जिनका कोई बिजनेस, फैमिली ऑन मतलब उनका कोई बिजनेस है और उसको यूज किया जा सकता है उनकी डिटेल्स को, तो आप उनकी डिटेल्स को यूज करके आप अप्लाई कर दें, अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रांसफर वाइज तो वो पेमेंट गेट पे नहीं है ना। ईमेल ऑटोमेशन, ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना कि जब आप लोग किसी को ईमेल देते हो तो किस तरह उनकी ईमेल्स आपको ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं, वो सारा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं, और उम्मीद लग रही है मुझे कि हो जाएगा। तो हम गूगल एड्स करते हैं पहले, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें इन चीज़ों पर आ जाएंगे। गूगल एड्स भी नहीं था इसके अंदर आउटलाइन में, पर वो भी मैंने आपको करवाना है।
वो तो सिंपल एक लॉयर पकड़े हैं, उसको उसको डिटेल्स दें, वो आपको पहले टैक्स आईडी आपको प्रोवाइड करेगा, एनटीएन बनवाएगा आपका, फिर उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगी और फिर उसका डाटा आप यूज़ करेंगे। तो काम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, आप लोगों को तो अक्सर फाइलर ही नहीं होंगे, वो भी फिर आपको आना पड़ेगा, तो एक लॉयर पकड़ेंगे और वो आपको सारा काम कर देगा। नहीं तो इसी तरह फैमिली में कोई है, आस पास जाने वालों में कोई है तो उनका डाटा यूज करके आप टू सीओ को प्रूव करवा लें। यूएस में रिलेटिव रिलेटिव बना सकते हैं, लेकिन फिर सारा एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग आपकी आइडेंटिटी उन्हीं के नाम से होगी, सब कुछ उन्हीं के नाम से होगा। फिर तो आप टू सीओ यूज ही ना करो, स्ट्राइप यूज कर लो, शॉपिफाई पे जाना है तो शॉपिफाई पेमेंट्स है वो यूज कर लो। यूएस का अगर एड्रेस आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर आपको टू सीओ की जरूरत नहीं है। फिर स्ट्राइप भी आप यूज कर सकते हो और शॉपिफाई की अपनी पेमेंट्स है, शॉपिफाई पेमेंट्स पावर्ड बाय स्ट्राइप, आप उसको भी यूज कर सकते हैं जी। गूगल एड्स पे जाएंगे, उसी को बेस बनाओ ना, बेस्ड इन यूके, वहां से स्टार्ट करें और जहां मर्जी सेल करो। ये सेम स्ट्राइप आपका वर्डप्रेस पे भी यूज हो जाएगा। फिर स्ट्राइप पे जाएंगे आप, स्ट्राइप की फीस भी कम है टू चेकआउट की निस्बत। टू चेकआउट पाकिस्तान के लिए ऑप्शन है, अगर आप यूके यूएसए का आपके पास एड्रेस और वहां की आपके रिलेटिव हैं, तो रिलेटिव हैं जो रेडी हैं आपके साथ मतलब तो काम करने के लिए, आपको चीजें प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर तो आप स्ट्राइप यूज करें, शॉपिफाई या तो शॉपिफाई पेमेंट्स यूज करें, फिर आपको जरूरत ही नहीं है टू चेकआउट की। टू चेकआउट सिर्फ पाकिस्तान के लिए ऑप्शन दिया था मैंने आपको। चलें जी, इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है और हम गूगल एड्स पे स्टार्ट करेंगे। स्ट्राइप STRIPE, तो वी की जगह पी लगा दें, ये स्ट्राइप। चलें जी, और दानिश को सेंड हो गया अकेले को। स्ट्राइप ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल होती है बात। अल्लाह हाफिज।